मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वे सब कुछ छोड़कर अपने गांव चली जाएंगी। उन्होंने पत्रकारों को गलत खबर चलाने के लिए नसीहत देते हुए साफ किया, ऐसा कभी नहीं कहा है, मेरी बात को ध्यान से सुना करो, ऐसा मत किया करो। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत सभी से स्वच्छता को लेकर अपील की है। खासतौर से बीजेपी कार्यकर्ताओं से मंदिरों में साफ सफाई करने की बात कही। पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री मंदिरों में साफ सफाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक बुधवार को होनी है। दोनों दलों के बीच शाम 4 बजे बैठक होनी है। सीटों पर बातचीत के लिए सपा ने रामगोपाल यादव, सांसद जावेद अली, विधायक संग्राम सिंह यादव व लालजी वर्मा और पूर्व MLC उदयवीर सिंह का पैनल बनाया है। उत्तर प्रदेश स्थित मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बनाई जा रही निर्वाचन सूची से अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं। इस बाबत उन्होंने मुरादाबाद के जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों के ना जाने पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि विपक्ष का काम बोलना ही है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि विराम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत मंगलवार से शुरू हो गई है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज गणेश पूजा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की अद्भुत और अलौकिक तस्वीर जारी की है। समय समय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर की तस्वीर जारी करता रहता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से बोल सकते हैं, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, ये बीजेपी की रणनीति अपने आप तय कर लेगी। EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। EPFO ने इसे मान्यता दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। कॉफी विद करण 8 के नए एपिसोड का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब ये सीजन खत्म होने जा रहा है। कॉफी विद करण का फिनाले एपिसोड आने वाला है। फिनाले एपिसोड में इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। शो में ओरी आएंगे, जिनके साथ करण जौहर काफी मस्ती करते हुए नजर आएंगे। ओरी अपनी फोटोज और पोज को लेकर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों में लगातार अर्धशतक लगा चुके हैं। हालांकि बाबर के अर्धशतक के बावजूद भी पाकिस्तान कोई भी मुकाबला जीत नहीं सकी है। लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले बाबर आजम को इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि विरोधी टीम उन्हें जानबूझकर आउट नहीं करती है।